गाइस कैसे आप लोग, मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अगर आपके मुंह में सफ़ेद दाग धब्बे, जिसे हम वाइट पैचेस या फिर वाइट स्पॉट कहते हैं, अगर मुंह के अंदर हो रखा है तो कैसे उसे हम खुद से पहचान कर सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। अगर आप उसकी खुद से पहचान कर लेते हैं एंड आपको शक है कि ये कैंसर है, तो पहले आप डॉक्टर के पास जाके पहले उसे कन्फर्म करें कि वाकई ये कैंसर है या नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं एंड ये कंफर्म होता है कि ये कैंसर ही है, तो फिर सवाल ये आती है कि इसे हम ठीक कैसे करें। सो गाइस, इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं कि अगर आपको ल्यूकोप्लेकिया या वाइट सफ़ेद दाग धब्बे की परेशानी है तो उसे ठीक करने के लिए आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं एंड मेडिसिन भी ले सकते हैं। डॉक्टर क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, ये दोनों ही चीज़ें पे वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम खान पान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे इंक्लूड करने से अगर मुंह के अंदर सफ़ेद दाग धब्बे हैं एंड वो कैंसर की तरफ है, कैंसर की तरफ इशारा करती है, तो हम अपनी डाइट को कंट्रोल करके उसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो हमें खान पान में क्या खाना चाहिए एंड क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारे मुंह के अंदर सफ़ेद दाग धब्बे हैं, वाइट स्पॉट या पैचेस हैं एंड वो कन्फर्म हो चुका है कि वो प्री कैंसरस हैं या फिर कैंसरस है, तो कुछ खान पान ऐसी होती हैं जिसे अगर हम अपने डेली बेसिस के डाइट पे इंक्लूड करते हैं तो वो मेडिसिन की तरह होती है। जो दवाइयाँ होती हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों से बनाई जाती है, यानी कि जो हम चीज़ें खाते हैं उसी से मेडिसिन के रूप में उसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप नेचुरली उसको होल अगर अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो नो डाउट ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आप ये जो खान पान के तरीके हैं, क्या खाना है, इसे आप मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप मेडिसिन के साथ लेंगे, अपने खान पान को इम्प्रूव करेंगे, तो आपका जो हीलिंग है, जो आपकी बीमारी है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जो सबसे पहला चीज़ है हमें अपनी डाइट में बहुत ज़रूरी होता है इंक्लूड करना, वो होता है एंटी ऑक्सीडेंट। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये काम क्या करता है, तो गाइस जो एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये जो कैंसर के फ्री रेडिकल्स होते हैं, इससे जो नए नए सेल बनते हैं कैंसर के, उसे ये खत्म कर देता है, उसे मार देता है, नए सेल्स को बनने नहीं देता है, जिससे जो कैंसर जो होती है या फिर अगर प्री कैंसरस कंडीशन है तो वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती है एंड जो आपकी बीमारी है वो वहीं पर रुक जाती है, उसे वो आगे बढ़ने नहीं देता है। एंड अगर आप इसे लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो वो उसे मारकर ठीक भी कर देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें किस चीज़ में अच्छे से मिल सकती है, तो उसके लिए आप कले, एक तरह की वेजिटेबल लीफ होती है, इसका आप यूज कर सकते हैं। इमेज में आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो लीफ होती है इसे आप एज अ सैलड यूज कर सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। अगर आपको कच्चा नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसे हाफ बॉईल करके भी खा सकते हैं एंड इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है वो भरपूर होती है एंड काफ़ी फायदेमंद होता है। ये ग्रीन टी, यस जो ग्रीन टी होती है इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे से होती है। जो ग्रीन टी होती है एक तरह से ये हर्बल टी है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। कम से कम दिन में दो बार आप जरूर ग्रीन टी को लीजिए, इससे जो आपकी प्रॉब्लम है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। सफ़ेद दाग धब्बे हैं आपके मुंह में ओवरऑल कहीं भी हो सकता है, आपके जीभ पे हो सकती है, ऊपर के जो तालू होते हैं उन पे हो सकती है, जो बकल मिकोजा होती है, जो गाल के अंदर का हिस्सा होता है वहाँ हो सकती है, आपके ओठ के अंदर के जो पोर्शन होते हैं वहाँ हो सकती है, गम्स पे हो सकती है, जो जीभ के नीचे का पोर्शन होता है वहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और आप हर केसेस में इस जो डाइट को फॉलो कर सकते हैं एंड आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखने में ये आपको सफ़ेद मोटी परत सी होती है, इमेज आपको मिल जाएगा, आप देख के आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट होता है वो विटामिन सी। विटामिन सी भी एज अ मेडिसिन चलाई जाती है, तो जो विटामिन सी होती है ये गुड फाइटर एंड गुड किलर होता है कैंसर सेल के लिए, जो कैंसर सेल है उन्हें ना ये बनने देता है
और उसके साथ अच्छे से फाइट भी करता है कि अगर आपके शरीर के अंदर जो कैंसर के सेल होते हैं उसे मारने में भी काफ़ी मदद करता है। तो विटामिन सी जो होती है आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है, तो क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, ग्रेप्स की वैरायटी जो होती है आप ले सकते हैं, रसबेरी, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी, इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होती है, लेमन, नींबू का आप सेवन कर सकते हैं, ऑरेंज जो संतरा आती है फल आप उसे भी खा सकते हैं, इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। जो नींबू है, नींबू को आप एज ए जूस की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिसे शरबत बनाई जाती है आप सिर्फ शरबत के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट है टर्मेरिक यानी कि हल्दी। जो हल्दी है आयुर्वेद के औषधियों में से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, एंड जो कैंसर होते हैं या फिर प्री कैंसरस कंडीशन होते हैं इसमें ये बहुत ही कारगर होती है। इसे हमें कैसे यूज करना है, आप इसे यूज करने के लिए एक ग्लास गुनगुना पानी में एक चम्मच हनी यानी कि शहद डाल के और थोड़ा सा हल्दी डाल के आपको पीना है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। दूसरा तरीका होता है यूज़ करने का, आप टर्मेरिक मिल्क भी बना सकते हैं यानी कि हल्दी वाला दूध भी बनाकर पी सकते हैं, एंड इसके अलावा आप चाहें तो इसका हल्दी का पेस्ट बना के जहाँ भी आपके वाइट पैचेस है आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कुछ देर के लिए रखना है एंड देन आपको हल्का गुनगुना पानी से इसे कुला करके निकाल देना है। नेक्स्ट गाइज आप अपनी डाइट में स्पिनेच यानी कि पालक को इंक्लूड कर सकते हैं। सीजनल जो पालक होती है काफ़ी फायदेमंद होती है, इसमें विटामिन सी एंड विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है। नेक्स्ट है इस ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी जो वाइट पैचेस एंड वाइट स्पॉट होते हैं उसे ठीक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप वॉलनट यानी कि जो अखरोट होती है अखरोट कर खाइए, कम से कम एक दिन में 3 अखरोट आप जरूर लीजिए। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है एंड ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। साथ ही अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सेल्मोनेला फिश, इसे भी जो फिश होती हैं इसे भी आप खा सकते हैं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि हमें क्या खाना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं खाना है। जितना ध्यान हमें अपने खाने पीने की चीज़ों पर देना है उतना ही ध्यान हमें अपने नहीं खाने पीने वाली चीज़ों पर भी देना है। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से ठीक नहीं होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं जो आपको नहीं खानी है वो है कि अगर आप में हैबिट्स हैं गुटखा, तंबाकू या सिगरेट या ड्रिंकिंग करने की तो आपको ये नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक या दो महीने छोड़ देते हैं और बताए गए चीज़ों को फॉलो करते हैं, चाहे वो होम रेमेडी हो या फिर खान पान का तरीका हो या फिर किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, थोड़ा सा जब आराम होता है तो वो तुरंत अपनी हैबिट्स को कंटिन्यू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने 2-3 महीना ब्रेक तो किया था लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता है, जो चीज़ें जो गलत चीज़ें हम खाते हैं उसका असर हमारे बॉडी के अंदर बहुत लंबे समय तक होती है, उस असर को ख़त्म होने में काफ़ी लंबा समय लगता है एंड ये जो तरीके होते हैं ये धीरे धीरे स्लोली वर्क करते हैं। अगर आप बीच में ही अपने हैबिट को कंटिन्यू कर देंगे तो फिर ये जो प्रॉब्लम है आपकी ये ठीक होना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये जो हमें ध्यान देनी है, आपको मिर्च मसाले वाली तीखी खाने नहीं खाने हैं, हॉट एंड स्पाइसी जो खाने होते हैं आपको उसे अवॉइड करना है, क्योंकि जो तीखा खाना होता है वो इरिटेट करता है, वो जो पोर्शन होते हैं जहाँ पर सफ़ेद धब्बे हैं दाग है उन्हें इरिटेट करता है, तो आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। सो गाइस आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, मैंने पूरी कोशिश की कि आप घर पर ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सो गाइस अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो यस डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके अपना इलाज करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं कि मैम आपका क्या जो ट्रीटमेंट है वो पेमेंट बेसिस पे है, पैसे हमें पेड करने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा जो ट्रीटमेंट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।